तो जितने भी हाउसिंग एंड रेंटिंग है यहाँ पे सब कुछ सस्ता पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लोग आके ये रहना प्रेफर करते हैं। लोग स्टंट वगैरह कर रहे हैं एकदम नीचे, भाई साहब खड़े हैं। हेलो गाइस, इन्होंने मेरी हेल्प की एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। और ये कुछ ऐसा दिखता है भाई, पूरा मोरक्कन स्टाइल में ये होम है। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। मैं अब जा रहा हूँ मराकेश। पिछली वीडियो मैंने बोला था कि मैं अगर जल्दी उठूंगा तो हिचाइक करूंगा, हालांकि जल्दी तो उठ गया था मैं, मतलब जल्दी मेरे हिसाब से मैं 12:30 बजे तक उठ गया था, लेकिन बैठ के वीडियो अपलोड कर रहा था यार। बहुत इंटरनेट स्लो था, अपलोड करने में लग गया मुझे अराउंड 2 घंटे यार एक वीडियो अपलोड करने में। तो बैठा हुआ था जब तक वीडियो अपलोड हुआ तब तक मैं निकल भी नहीं पाया। लाइए कुछ ऐसा नजारा है यहाँ पर। मैं अभी ले रहा हूँ ट्रैम, ट्रैम उन्होंने कहा था यहीं कहीं से मिलेगी, एंड ट्रैम लेके मैं जाऊँगा अभी काशा, मतलब काशा द वगज समथिंग लाइक, इसी तरह कुछ नाम है जो कि ट्रेन स्टेशन है यहाँ का। तो मैं खोजता हूँ कहाँ है ट्रेन स्टेशन और कहाँ पे मुझे मिलेगी ट्रैम। ये ट्रैम मैंने ट्राई करना था मुझे, ताकि क्यों मैं ट्रैम से ही जाऊँ, वरना टैक्सी ले सकता था यहाँ से, बट मैं ट्रैम से जा रहा हूँ अभी। तो भाई साहब मैं चल के यहाँ पहुँच चुका हूँ, पता नहीं कहाँ पड़े। कासा पोर्ट के लिए जा रही है, एयरपोर्ट के लिए जा रही है, फेज के लिए जा रही है यार। कासा पोर्ट जा रही है, कोई काशा वो एगर वगैरह कहीं नहीं जा रही भाई। मराकेश जा रही है 6:44 की, लेकिन मराकेश 6:20 की है, आई थिंक 6:20 वाली होगी मेरी फिर। तो भाई मैं आ गया हूँ ट्रेन स्टेशन। एक्चुअली मुझे लगा था कि ये ट्रैम स्टेशन है, बट मेरे जो हॉस्टल है उसके जस्ट पास एक ट्रेन स्टेशन है, तो मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ फिलहाल। छोटा सा ट्रेन स्टेशन है। अब मुझे इंटरनेट चाहिए भाई, क्योंकि इतनी लंबी लाइन लग के क्यों ट्रेन टिकट खरीदो यार। ऑनलाइन अगर टिकट खरीद सकते हैं तो क्यों इतनी लंबी लाइन लग के लोग ट्रेन खरीदते हैं, मुझे समझ नहीं आता भाई। हाँ तो मैं अब किसी से इंटरनेट मांगता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट ख़त्म हो गया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब मैं सिम कार्ड लेता हूँ। तो भाई ये था ट्रेन स्टेशन। बेसिकली मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे ट्रेन स्टेशन भी है। एक्चुअली मैं तो ट्रैम खोज रहा था, फिर किसी ने मुझे ट्रेन स्टेशन बताया कि जस्ट पास में है, तो मैं पैदल चल के आया यार। अराउंड 1 किलोमीटर था मेरे हॉस्टल से, जो कि काफ़ी नज़दीक था, क्योंकि जो दूसरा ट्रेन स्टेशन है जो कि बड़ा वाला है वो अराउंड तकरीबन 1 घंटे की राइड मान लो, क्योंकि ट्रैफिक ख़तरनाक था, तो इसलिए यहाँ पर है। और ये कुछ ऐसा माहौल दिख रहा है भाई यहाँ पर। और मैंने टिकट बुक कर ली, 140 दिरहम की टिकट आई मराकेश की ऑलरेडी भाई। 6:44 में मैं निकल रहा हूँ, रात को पहुँचूंगा मराकेश में, बट कोई बात नहीं। एंड इन्होंने मेरी हेल्प की, इसका नाम है जैन अभी। Nice to meet you, Diana, but thank you. शुक्रिया। और ये मेरे ट्रेन में ही है, मतलब हम ये कहीं अलग जा रही है, मैं अलग जा रहा हूँ, बट मेरे ट्रेन में ही जा रही है ये भी जैनब। तो ये कुछ है भाई, काफ़ी छोटा ट्रेन स्टेशन है, कुछ खासा बड़ा नहीं है। और ऐसा कुछ यहाँ पे हिसाब किताब दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह कुछ लोग हैं, एक छोटा सा कैफे भी है अगर यहाँ पे देख लो तो, कुछ खास नहीं है। तो भाई साहब ट्रेन पे सवार हो चुका हूँ, एसी के पास अभी भी बैठा हूँ, और खिड़की चली यहाँ पे ट्रेन में खुली हुई है, अच्छी बात है कुछ थोड़ी, लेकिन ट्रेन की खिड़की गंदी पड़ी हुई है भाई। वेल टिकट भाई थोड़ा सा तो महंगा था, बट ठीक था, 1000 रुपये का टिकट आया और 2.5 घंटे की मेरी जर्नी है, ठीक है, मतलब उतना भी महंगा उतना भी सस्ता नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। मैं सीट पे बैठ गया हूँ, अपने बैग वगैरह को ठिकाने लगा दूँ, ट्रेन में देखता हूँ कहाँ पर ट्रेन है, क्योंकि ज़्यादा भाई स्पेस तो नहीं है, इसलिए बैग को यहाँ पर रखना पड़ गया और इसको लेके यहाँ पर बैठा हूँ। बेसिकली आपसे ये बोलना भूल गया कि आज मैंने थोड़े इंडियन कपड़े पहन रखे थे, बेसिकली सारे कपड़े गंदे हो गए थे, तो मुझे एक कपड़े मिला, मैंने इसको पहन लिया, तो बेसिकली इसके वजह से काफ़ी मुझे अटेंशन एंड आइज़ मिल रही है जनरली, कि सारे लोग देख रहे हैं। पहले तो कलर काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव है, पूरा येलो येलो है। खांचा की शादी में गया था तो उसके हल्दी में मैंने ये कपड़े खरीदे थे, तो उसको अभी यूज कर रहा हूँ, उसको पहन रहा हूँ अभी फिलहाल, बस यही है, कुछ खास नहीं है। ऐसे भाई हम लोग कुछ क्रॉस वगैरह कर रहे हैं मस्त मस्त, और ट्रेन काइंड ऑफ फास्ट हो रखी है, उतनी भी नहीं है। ये भाई साहब हेलो कर रहे हैं। तो भाई ट्रेन पे सवार हो गया हूँ और ट्रेन काफ़ी सही गति से निकल रही है। जरा यहाँ पे दिखाता हूँ क्या हाल है, ये हाल है भाई साहब। और यहाँ पे भी डब्बे के पास लोग खड़े रहते हैं, और कुछ ज़्यादा ही ट्रेन आवाज़ कर रहा है। जरा ऐसा हाल है भाई ट्रेन का माहौल, जरा मैं चल के देखता हूँ, कुछ इस तरफ ऐसा दिख रहा है, लोग भरे पड़े हैं भाई हर तरफ। और ट्रेन भाई मतलब अभी 120 के हिसाब से चल रहा होगा, लेकिन ट्रेन ये वाला काफ़ी ज़्यादा उछल रहा है यार, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा कि इतना क्यों उछल रहा है। तो भाई साहब बेसिकली अभी लोकल पैसेंजर की काफ़ी भीड़ है, तो मैं आपको ये ट्रेन थोड़ा बाद में दिखाता हूँ, लेकिन ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी कर रहा है यार, बेसिकली बैलेंस भी नहीं कर पा रहा खुद को चलने के लिए, बट ट्राई किया जा रहा हूँ, थोड़ा अपनी सीट पर ही बैठता हूँ और सीट से ही बैठ के नज़ारा देखता हूँ कि कैसा है बाहर का सीन। हालांकि खिड़की काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है मेरा, बट ठीक है जो है यही भी हो फिलहाल। तो भाई फिलहाल बर्शीद आ चुका है, बेसिकली बर्शीद एक लोकल सिटी है काशाब्लांका के पास ही, तो जितने भी हाउसिंग एंड रेंटिंग है यहाँ पे सब कुछ सस्ता पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लोग आके ये रहना प्रेफर करते हैं। और यहाँ से बेसिकली 20 मिनट की डिस्टेंस है, सारे लोग जा रहे हैं यहाँ से। ऐसा कुछ नजारा है,
ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके हैं। अब ट्रेन भाई देखो खाली हो रखा है एकदम। तो भाई साहब इंडिया की तरफ ही यहाँ पर लोग स्टंट वगैरह कर रहे हैं एकदम नीचे, भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे भी गेट पे खड़े होकर चलना आई थिंक काफ़ी नॉर्मल लग रहा है मेरे को ऐसे, कुछ ऐसे बाहर का नज़ारा है भाई। तो भाई साहब हमारी जर्नी चल ही रही है, ऑलमोस्ट ट्रेन खाली हो चुका है, बट कोई एक ट्रेन स्टेशन आया है गाड़ी दे वेन्यू गिरेर समथिंग लाइक दिस, और ये है कुछ ऐसा भाई ट्रेन स्टेशन, काफ़ी छोटा सा ट्रेन स्टेशन है ये। ये देखो भाई और काफ़ी मस्त सनसेट हो रहा है अभी, अभी ट्रेन चलेगी तो आपको सनसेट दिखाता हूँ, और जो सिटी देखने में लग रहा है काफ़ी खूबसूरत है, मस्त लग रहा है भाई। ट्रेन यहाँ पे 2-3 मिनट रुकेगी क्या, ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी, मैं ट्रेन पे चढ़ के ऑलरेडी बैठ जाता हूँ। तो भाई अभी तक ट्रेन का सफर जारी है, और अगर आपको फिलहाल सहारा डेजर्ट, ये पूरा सहारा का ही पार्ट है, काफ़ी देखो डेजर्टी एरिया चल रहा है फिलहाल, अभी सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट क्रॉस कर रहे हैं, और अराउंड 30-40 मिनट के बाद मराकेश आने वाला है। जरा मैं आपको एक बार ट्रेन का टूर दे देता हूँ कि ट्रेन दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा माहौल है इस तरफ, इन दोनों से मेरी बातें हो रही थी, अच्छी खासी थोड़ी मोड़ी बातें हो गई। जरा मैं आपको ट्रेन का टूर देता हूँ भाई, काफ़ी लोकल ट्रेन है ये अगर देखा जाए तो, लाइक इस तरफ पूरा सेकेंड क्लास में ट्रेवल कर रहा हूँ मैं, और जो व्यू दिख रहा है भाई एकदम शानदार व्यू है, मतलब सहारा है पूरा, एक बार मैं आपको ट्रेन का टूर दे देता हूँ कि ऐसा ट्रेन दिखता है। मेरा ये सीट है, सब चले गए, पूरा ट्रेन खाली हो चुका है, और एक लेडी है ये भी ट्रेन क्लीन वगैरह करने के लिए, ऑलमोस्ट भाई ट्रेन खाली है और हम लोग आधे घंटे में मराकेश पहुँच जाएंगे। ये ऐसा कुछ दिख रहा है भाई, एक बार भाई मैंने यहाँ पे नोटिस की कि यहाँ पे यार स्मोकिंग कुछ ज़्यादा ही कॉमन है, ये देखो भाई ये सब सबने स्मोक कर करके फेंक रखा है, और सब लोग यहाँ पे स्मोक करते हैं, काफ़ी जोर से आवाज़ आई, काफ़ी ट्रेन आवाज़ भी कर रहा है, और ये दोनों डब्बे के बीच का ये हाल है। टॉयलेट वगैरह ठीक ठाक है, कुछ खासा क्लीन नहीं है तो ठीक ठाक है, काफ़ी स्मेल भी कर रहा है टॉयलेट, बट ठीक है जो है जर्नी है, काफ़ी ज़्यादा जर्नी चल रही है। आई थिंक आपको मैंने बड़े तक के दूसरे वीडियो में आपको दिखाया था कि ट्रेन दिखती कैसी है, वैल आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि ट्रेन दिखती कैसी है यहाँ की। लाइक जनरली मैंने यहाँ पे सिटिंग ट्रेन एक्सपीरियंस किया है, मैंने यहाँ पे स्लीपिंग ट्रेन अभी तक देखा नहीं है, तो एक्चुअली ना यहाँ मुड़को मतलब बड़ा तो है लेकिन जो रेल नेटवर्क है उतना खासा बड़ा नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है कि स्लीपिंग ट्रेन वगैरह उतनी ज़्यादा है नहीं, और इनके पास बुलेट ट्रेन भी है, तो बुलेट ट्रेन होने की वजह से लाइक जो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ है जैसे कैपिटल हो गई या तो फिर ऊपर वाली जो सिटी हो गई, तो 2-3 घंटे में आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो। तो भाई अपडेट ये है कि हम मराकेश पहुँच चुके हैं, मराकेश में आपका स्वागत करता हूँ। सुना है ये काफ़ी कल्चरल कैपिटल है, तो जरा इसको जाकर देखिए, ये मेरी ट्रेन थी भाई, इस तरह की ट्रेन होती है मोरक्को के अंदर, आपको मैंने दिखाया अभी तो पहले भी। यहाँ पे वेदर काफ़ी शानदार है, इस टाइम मुझे कासाब्लांका में ठंडी लग रही थी, अभी मतलब रियली वेदर है। सुना है कि दिन को थोड़ा लाइक गर्मी रहती है क्योंकि डेजर्ट वाला एरिया है भाई, तो रात को काफ़ी सही वेदर रहता है यहाँ पे। चलो ठीक है, ऐसे भी सो के उठता हूँ मैं 12-1 बजे, तो दिन तो चले ही जाएंगे ऐसे भी। हम लोग सब जा रहे हैं इस तरफ, ये ट्रेन स्टेशन था, और मैं निकलता हूँ जल्दी जल्दी करके अपने हॉस्टल। बेसिकली भाई साहब मेरे पास इंटरनेट नहीं, बिना इंटरनेट के सहारे अब थोड़ा किसी लोगों से हेल्प मांगनी पड़ेगी, उसके बाद मैं वाईफाई कनेक्ट करके अपने हॉस्टल के लिए निकलूँगा। हॉस्टल मैंने यहाँ पे बुक किया था काउचसर्फिंग, मैंने ट्राई भी नहीं किया यहाँ पे यार, पिछली बार जब मेरे साथ काउचसर्फिंग साथ जो हुआ था मैं वेट करता था कि कम से कम 6 घंटे कासाब्लांका में कि अब रिस्पॉन्स आएगा, अब रिस्पॉन्स आएगा, अब रिस्पॉन्स आएगा, बट कभी किसी ने रिप्लाई दिया नहीं, बस मैं वेट ही करते रह गया। फिर 6 घंटे के बाद मुझे हॉस्टल लेना पड़ा। यहाँ पर मैं आज रात को रिक्वेस्ट भेजता हूँ क्योंकि सो के काफ़ी लेट होता था, रिक्वेस्ट नहीं भेज पाया था। ये कुछ ट्रेन स्टेशन है भाई, चलता हूँ यहाँ से मराकेश। भाई ये है ट्रेन का इंजन, कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे OFC कहते हैं यहाँ के ट्रेन के डब्बे को, इस तरह हमारी यहाँ होता है ना इंडियन रेलवेज, तो यहाँ पे कहते हैं ONFC। ओके, ONFC इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता भाई, बट कहते हैं ONFC। ट्रेन भाई साहब एकदम काफ़ी एकदम सही रफ्तार में चली है, 3-4 स्टॉप्स थी कासाब्लांका से मराकेश के लिए, कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप था नहीं, और ट्रेन एकदम रफ्तार में चल रही थी, और ट्रेन भाई साहब टाइम पे मतलब 9:14 का टाइम था, यहाँ पर ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है 9:13 पे ही, तो ट्रेन यहाँ पे टाइम पे रहती है मोस्टली। सिर्फ एक ट्रेन को मैंने लेट होते देखा था, बाकी सारी ट्रेन यहाँ पे टाइम पे ही दिखा है मुझे। मैंने अभी तक 4 ट्रेन ली है, 4 में से 3 ऑन टाइम पे है। ये थोड़ा एक जो था जो पहला दिन ट्रेन लिया था वो थोड़ा 2 मिनट का लेट था। तो भाई ये है ट्रेन स्टेशन मराकेश का, काफ़ी खूबसूरत भाई ये भी है, जरा देखा जाए तो कुछ ऐसा दिख रहा है। हिबा राइट,
इन्होंने मेरी हेल्प की एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प. आई ऑलरेडी फाइंड इट, यू कैन टर्न इट ऑफ इफ यू वांट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. इन्होंने मेरी हेल्प की कि इंटरनेट वगैरह, उन्होंने मुझे खुद से ही बोला कि मैंने आपके ब्लॉग में हाय कहा, आपने मुझे ब्लॉग देखने वाले, मैंने कहा फिर इंटरनेट शेयर कर दो क्योंकि मुझे इंटरनेट की थोड़ी जरूरत है. तो यार ये अच्छा है ना एक्चुअली कि जब कभी कभी इंटरनेट नहीं रहता तो भी अच्छा है, बिना इंटरनेट के भी काम चलाना पड़ता है पुराने ज़माने की तरह. वेल अभी मैंने लोकेशन देख लिया कि मुझे कहाँ जाना है. मैंने हॉस्टल ऑलरेडी बुक कर लिया था जब मैं कासाब्लांका में था. अभी मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ ये कैसा दिख रहा है माहौल. कुछ ऐसा माहौल है भाई साहब. और या यहीं पर कुछ खास नहीं है, स्टारबक्स कॉफ़ी भी यहाँ पर है. मुझे एक्चुअली ना जो बेटर लगा ये वाला नहीं था. तंजीर भी काफ़ी मस्त था भाई साहब, ट्रेन स्टेशन और साथ ही साथ कासाब्लांका में काफ़ी मस्त था. हर जगह वेस्टर्न यूनियन मिल जाएगा यहाँ पे इन सारी कंट्रीज में, जो कि अच्छी बात है यार कि वेस्टर्न यूनियन की ज़रूरत पड़ती है. मतलब कभी कभी यू नो मेरी तरह लोग अपना कार्ड घर पे भूल के आते हैं बेवकूफ़ की तरह, तो ज़रूरत पड़ती है कभी कभी वेस्टर्न यूनियन ना. तो हालांकि अब मैं घर जा रहा हूँ, 10-15 दिनों में घर निकल जाऊँगा. अभी यहाँ के बाद एक और कंट्री कर रहा हूँ, वो आपको अगली आने वाले वीडियो में देख लेगा. उसके बाद मैं वहाँ से इंडिया निकल जाऊँगा. इंडिया में जाने का मेरा प्लान भी है. ट्रेन वगैरह भाई अभी तक चल रही है और रियली लाइक दिस स्टेशन कि काफ़ी थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल से इन्होंने स्टेशन बना रखा है. अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और अपने हॉस्टल की तरफ जाता हूँ. जब भी भाई साहब आप मोरक्को आओ तो टैक्सी यहाँ से इस तरह मत लेना. आप रोड पे जाओ और नॉर्मल टैक्सी को रोको और यहाँ पे मीटर सिस्टम चलता है, तो मीटर पे जो भी भाड़ा आएगा वो दे देंगे. हालांकि कल रात को एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, आपको बताऊँगा. जब मैं कल मॉल से और वो क्लबिंग वाले एरिया से जब निकला तब मैंने टैक्सी ली थी और बुरा सा एक्सपीरियंस हुआ था. बट आपको बताता हूँ, पहले अभी मैं टैक्सी ले लेता हूँ यहाँ से एंड फिर आपसे मेरी बात होगी उस टॉपिक पे. ये भाई ट्रांजिशन बाहर से दिखता है, बाहर से भी काफ़ी शानदार दिख रहा है भाई. गारे दू भाई, ये गारे दी एक्चुअली सारा फ्रेंच नेम है यार. गारे दी नॉर्थ मुझे याद है, मैंने पेरिस में एक ट्रेन स्टेशन था जो मैंने लिया था. फिलहाल मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, टैक्सी वाले कोई ना कोई यहाँ से तो आएंगे ही और उस टैक्सी को लेके मैं अपने प्लेस जाऊँगा. तो भाई साहब मैंने टैक्सी ले ली है और मैं जा रहा हूँ मदीना की तरफ. बेसिकली मदीना क्या होता है मोरक्को के अंदर, मुझे अब समझ में आया. मदीना का मतलब ये होता है कि ओल्ड सिटी. तो मैं मदीना की तरफ जा रहा हूँ और ये भाई साहब मुझे छोड़ रहे हैं टैक्सी मीटर टैक्सी से. अभी 6 दिरहम का बिल आया अभी तक, ऑलमोस्ट 3-4-5 मिनट हो गए टैक्सी पे बैठे हुए. तकरीबन अभी तक 6 दिरहम हुआ है, पता नहीं कितना होगा इन टोटल. जैसे ही मैं टैक्सी राइड खत्म करता हूँ जो भी टैक्सी फेयर वगैरह होगा आपको मैं बताता हूँ. तो भाई साहब मैं अपने हॉस्टल के पास पहुँच चुका हूँ. बढ़िया भाई साहब ने बड़ा दिमाग खराब किया यार. मैंने कहा कि गूगल मैप पे दिखा रहा था 10 मिनट का रास्ता, ठीक है. तो मैंने कहा भाई इस तरफ से चलो, इस तरफ से चलो, इस तरफ चलो. अपनी धुन में था, बोला नहीं मैं इधर से जाऊँगा, उधर से ट्रैफिक मिलेगी. फिर अपने तरफ से लेके आया घुमा के एकदम, ठीक है, चक्कर लगा के आया. फिर ट्रैफिक तो मिली गई. मैंने कहा भाई गूगल मैप को थोड़ा फॉलो कर लिया करो. जो मेरा बिल लाइक 10-12 दिरहम का आने वाला था वो बिल मेरा 22-23 दिरहम का आ गया क्योंकि घुड़ा के पहली बार लाया और ट्रैफिक तो मिली. तो 10 मिनट का जो रास्ता था जो गूगल मैप पर दिखा रहा था, भाई गूगल मैप काइंड ऑफ यहाँ पे सही होता है, उतना ही परफेक्ट नहीं है बट काइंड ऑफ परफेक्ट है. तो इतना घुमा के लाया. या ब्लॉग, हेलो लोग हैं भाई यहाँ पे, ब्लॉग को लोग पसंद करते हैं. तो ये थोड़ा सा लाइक वियर्ड सा एक्सपीरियंस रहा बट ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े सर छोटी छोटी बातें होती रहती है. वेलकम टू मराकेश गाइस, मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल. ये मदीना एरिया जो कि ओल्ड सिटी है, आपने कुछ कुछ तंजीर में भी ऐसा कुछ कुछ देखा होगा. फिलहाल मैं चल रहा हूँ अभी अपने हॉस्टल. तो गाइस मैं अपने हॉस्टल आ चुका हूँ. ये कुछ मेरा ऐसा हॉस्टल है भाई, सच में बहुत ही बड़ा हॉस्टल है. मैं ऑलरेडी चेक इन वगैरह कर चुका हूँ. ये कुछ ऐसा रिसेप्शन है, मतलब आप देख लो मोरक्कन ट्रेडिशन स्टाइल में ये का रिसेप्शन भी ऐसा दिख रहा है. हेलो, चलो आपको अपना रूम दिखाता हूँ. ये वगैरह एक्सकर्जन वगैरह आप कर सकते हो. मेरा रूम भाई इसी तरफ है भाई, बहुत ही बड़ा हॉस्टल है. अगर आप देखें ना तो लाइक इतना बड़ा हॉस्टल मैंने कभी नहीं देखा था. ये तो सिर्फ इनका बैठने वाला एरिया है और भाई यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगे हुए हैं, चाहो तो यहाँ पर सो सकते हो. हालांकि इस हॉस्टल पे कोई है ही नहीं, ज़्यादा लोग इसलिए सच में रह ही नहीं रहे हैं. वेल आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ इधर जाने के बाद. ऑलमोस्ट लाइक भाई काफ़ी चलने के बाद आप पहुँचोगे बेसिकली मेन एरिया में. यहाँ भी सोफ़ा वगैरह लगा है, यहाँ पर भी आप बैठ के बातें कर सकते हो, सो सकते हो. काफ़ी रियली बड़ा प्लेस है और इनका लाइक यहाँ पे आप चाहो तो अपने कपड़े वगैरह धो सकते हो और सुखा सकते हो. एक वॉशिंग मशीन है और 2 ड्रायर है यहाँ पे. 10 का रेट है, मतलब 80 रुपये लग रहे हैं यहाँ पे इसको यूज करने के. भाई एक यहाँ से बहुत बड़ा पूल भी है, तो आप चाहो तो पूल वगैरह भी यूज कर सकते हो. मतलब बड़ा तो नहीं है, काफ़ी नॉर्मल साइज पूल है ये. और ये कुछ ऐसा दिखता है भाई, पूरा मोरक्कन स्टाइल में ये होम है. मेरा रूम कहीं ये है मेरा रूम, बट भाई ये तो सिर्फ एक पोर्शन हुआ और आपको मैं रूफ टॉप दिखाता हूँ इस हॉस्टल का. बेसिकली ये जो हॉस्टल भाई ये 2 घरों में बटा हुआ है, तो भाई ये तो पूरा घर हो गया. और ये ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पर. ये कुछ ऊपर से ऐसा दिखता है भाई, स्विमिंग पूल के साथ व्यू. और जो मेरा रूम है ये है. फिलहाल मैं आपको दिखा नहीं दिखाता हूँ क्योंकि अंदर में लोग सोए हुए हैं और आई थिंक लाइट भी बंद कर रखा है लोगों ने.
तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं रूम के अंदर नहीं जाऊँगा। बट ये भाई मेरे रूम का व्यू है, एकदम शानदार दिख रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ रूफ टॉप पे, पहले चलूँगा ये दिखा रहा हूँ भाई अपने जो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पर एक और घर इसी में अटैच्ड है, और वो घर तो और ही शानदार है। दो घर का ये हॉस्टल है, बड़े बड़े घर का। ये भाई साहब रूफ टॉप है मेरे वाले घर वाले हॉस्टल का, ये ऐसा कुछ दिखता है। और नीचे आप देख सकते हो पूल वगैरह आपको दिखेगा, और काफ़ी शानदार चांद दिख रहा है भाई। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे घर पे। ये घर और अगला घर भी काइंड ऑफ कनेक्टेड है, साथ ही साथ यहाँ पे एक बाड़ भी है। अगर आप इस तरह देखा जाए तो यहाँ पर एक बाड़ है, और भाई ये है सेकेंड रूफ टॉप। हेलो, कुछ कुछ लोग यहाँ पर थे भाई, लोग भरे पड़े, और व्यू भी काफ़ी शानदार है इस रूफ टॉप से। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं राजा महाराजाओं वाली जो घड़े होती हैं उसी तरह है। दो घर और साथ दोनों घर अटैच्ड हैं। ये घर का जो ये वाला एरिया है ऐसा कुछ दिख रहा है, आपको मैंने वो वाला पार्ट दिखाया था। तो दोनों घर अटैच्ड है भाई, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। और भाई बैठने के लिए तो बहुत स्पेस है। और आपको मैं दिखाता हूँ भाई एक कॉमन रूम, यही बहुत ही बड़ा कॉमन रूम है ये। और भाई ये एक उनका कॉमन रूम है, जरा भाई कॉमन रूम देखो, यहाँ पे बैठ के खाना पीना भी खा सकते हो, थाली लगा हुआ है। तो काइंड ऑफ मोरक्कन डेजर्ट स्टाइल में ये कॉमन रूम बना हुआ है। इधर भी लोग हैं कुछ, और ये देखो भाई साहब रियली में बड़ा कितना बड़ा है भाई। इतने बड़े में तो यार कम से कम 4-5 रूम आराम से आ जाएगा, और बैठने के लिए अच्छी खासी जगह है। ये का तो काइंड ऑफ सोने के लिए हो गया यार, तो काइंड ऑफ बेड लग रहा है ये तो मेरे को। तो मतलब हाँ रियली बहुत ही बड़ा हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में लोग उतने रह नहीं रहे हैं। इस हॉस्टल में जो फिलहाल अभी लोग रह रहे हैं यार 30-40 लोग रह रहे हैं। बट यार 30-40 लोग के लिए इतना बड़ा कॉमन रूम, इतने ज़्यादा स्पेस, लाइक कुछ ज़्यादा ही बड़ा हॉस्टल लगा मुझे ये। और सस्ता भाई है, मतलब मैं पे कर रहा हूँ मान के चलो 800 रुपये पर नाइट। लाइक सस्ता तो नहीं है भाई, लेकिन यही नॉर्मल प्राइस है डॉर्मेट्री की मेडिकल के अंदर। यही था भाई मेरा हॉस्टल का टूर। अब मैं चलता हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ क्योंकि कल थोड़ा सोचा मैं जल्दी उठूँ, एंड देन फिर कल मड़के इसका चक्कर लगाऊंगा। कल के लिए भाई गुड नाइट, अगर आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते तो भाई मेरा इंस्टाग्राम है नॉम एट शुभम, फॉलो कर लेना। तब तक के लिए दस बिदानिया, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।